ये कल्टस गाड़ी है 19 मॉडल। इसमें जो मसला आ रहा है ना, इसका जो पैसेंजर साइड में इसका फ्रंट जो मिरर है ना, वो अप डाउन नहीं हो रहा, ना ही मास्टर बटन से हो रहा है। ये मैंने ऊपर की साइड पे प्रेस किया हुआ है, ठीक है, ये प्रेस नहीं हो, ऊपर नहीं जा रहा। आप करो ऊपर, ठीक है, ना ही वो नीचे से वर्क कर रहा है, ना ही ऊपर वर्क कर रहा है। नीचे करता, ऊपर अभी तो दोनों साइड पर नहीं कर रहा ना, ना ही ऊपर कर रहा है, ना ही नीचे कर रहा है, ठीक है। ये मैंने नीचे की साइड पर प्रेस किया हुआ है, वो ऑलरेडी है ही नीचे, ऊपर ही नहीं आ रहा। इसको अभी डायग्नोज कर रहे हैं, इसके ये जो मास्टर बटन है ना, इसमें मसला है। मास्टर बटन इसका ओके करते हैं तो इंशाल्लाह गाड़ी हो जाएगी ओके। ये इसका मास्टर बटन है, इधर पे इसका एक पेच होता है, ठीक है, एक पेच इधर होता है और एक पेच इसका नीचे होता है, ठीक है। ये बाहर से नहीं ओपन होता, पहले इसका ये वाला गत्ता खोलना पड़ता है, उसके बाद ये यहाँ से रिमूव होता है। यहाँ पर इसका ये लॉक है, इस लॉक को प्रेस करके ना, ये अभी देखना, ये आ गया बाहरली साइड में, ठीक है, ये ऐसे आते हैं। ये जो मास्टर स्विच है, इसका जो इंटरनल सर्किट है वो हमने ओपन कर लिया है। ये जो आप इसका बटन देख रहे हैं ना, ये जो इसका बटन है ना, ये मेन है, ड्राइवर साइड का बटन है, जिससे जो हमारा दूसरी साइड का जो फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड का फ्रंट जो मिरर था ना, वो अप एंड डाउन नहीं हो रहा था। तो हम जो आपके साथ ये फॉल्ट शेयर करने लगे हैं ना, ये सुजुकी कल्टस की जो न्यू गाड़ी है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। तो जब ये गाड़ी बाज़ दफ़ा कंपनी में जाती है ना, कंपनी वाले जो इसका बटन है ना, वो ही रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, न्यू वन बटन लगा देते हैं। जैसा कि आपको दिखाया है, इसके नीचे जो पॉइंट थे वो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किए हैं, और ये जो हम पॉइंट रख रहे हैं ना इसके नीचे, इन पॉइंटों को भी हमने अच्छी तरह बिल्कुल क्लीन किया है। ये जो हमारा मिरर था ना, जो अप एंड डाउन नहीं हो रहा था, वो इसी वजह से अप एंड डाउन नहीं हो रहा था कि इसके नीचे जो पॉइंट थे ना, उनमें डस्ट और कुरैया ना चुका था। जैसे ही हम बटन को अप एंड डाउन करते थे, जो हमारा लेफ़्ट साइड का मिरर है ना, वो अप एंड डाउन नहीं होता था। ये जो इसका सारा प्रोसीजर है ना, हमने आपके साथ शेयर किया है और शेयर भी कर रहे हैं कि इस बटन को आपने कैसे ओपन करना है, कैसे इसको क्लीन करना है और कैसे आपने इसको फिट करना है। ये हमने इसके ऊपर हुक लगाया है और इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है सही वर्क कर रहे हैं, नहीं, ये अप एंड डाउन पॉइंट सही वर्क कर रहे हैं। अब दूसरी साइड का है ना, उसका हुक लगाते हैं और चेक करते हैं। ये भी हमने दूसरी साइड का पॉइंट रख रहे हैं, फिर इसके ऊपर ना हम वो हुक लगाएंगे जो प्लास्टिक का होता है, उसको अप एंड डाउन करेंगे, उसके बाद जो ये बटन है ना, हम इसको मुकम्मल फिट कर देंगे और गाड़ी में लगा कर चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह जो हमारी गाड़ी है ना, वो बिल्कुल ओके होगी। ये हमने दोनों साइडों के जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, वो रख दिए हैं। अब इनके ऊपर जो ये स्टील का कवर आता है ना, ये रखेंगे एक साइड से, और इस कवर पे ना मेंशन होता है, इसके कट मेंशन होते हैं, क्योंकि साइड पे जो प्लास्टिक की हुक निकली होती है ना, तो मतलब कि अपनी अपनी साइड का ये जो स्टील का ये कवर है ना, ये अपनी अपनी जगह पर लगाना पड़ता है। अब हमारा जो लेफ़्ट साइड का मिरर है ना, वो अप एंड डाउन सही होगा। मास्टर बटन का कनेक्टर लगा रहे हैं, अभी इसको चेक करते हैं। इसको कम्प्लीट हमने फिट नहीं किया, बाजू का 19-20 हो सकता है, ठीक है। अभी गाड़ी को सर्फ मार देते हैं, इग्निशन में, ठीक है। ये उस साइड का ना क्या कहते हैं बटन है, तो थोड़ा इस साइड पे करो, बस इतना। ये अभी मैं ऊपर अप कर रहा हूँ मिरर को, वो माशाल्लाह हो गया, सही है। अभी मैं उसको डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए डाउन भी हो गया, ठीक है। अब उसी बटन से भी होगा, उस बटन से करो ऊपर नीचे मिरर को, ठीक है, माशाल्लाह, नीचे करो, माशाल्लाह ओके हो गया। अब ना हम इसको कंप्लीट फिट करते हैं, कंप्लीट अब करते हैं फिट इसको। अब इसको ना फिट करने लगे हैं, सही है, प्रेस करेंगे, दोनों लॉक इसके प्रेस हो गए हैं, एक लॉक यहाँ पर और दूसरा लॉक इस साइड पे। इसके पेच लगाते हैं, अब एक यहाँ पे लगेगा, दूसरा पेच यहाँ पे लगेगा और तीसरा लगेगा यहाँ पे इधर। ये लग,
आपने साउंड के लिए। जो मिरर हैं वो अप एंड डाउन होने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।